छोटी सी बात पे क्यों कर रहे हो, बैठ के सॉल्व कर लेंगे। अरे हाथ मत लगाओ तुम यार। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोक झोक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस आज आप लोग यकीन नहीं करोगे आज मेरी आंख कैसे खुली। आज मेरी आंख खुली है खुशबू की वजह से। तो मैं उठा, किचन में आया, देखा तो कुछ पक रहा था। तो निदा बोली जाओ फटाफट नहा के आओ, फिर तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तो जैसे मैं भी नहा के निकला मुझे पता चला निदा ने गरम गरम एकदम चिकन पनीर एंड एग सैंडविच। निदा को पता है कि मुझे चिकन बहुत पसंद है, एग बहुत पसंद है, पनीर पर तीनों चीज पसंद है। तीनों चीज एक में डाल दी। बाप रे बाप, तीन अलग अलग आइटम बनाने वाली थी क्या, मैं एक ही में कर दी। चलो अच्छा है। सुबह सुबह उठ के मुझे जो सरप्राइज मिला है मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। चलो और फटाफट खाते हैं। और गाइज आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, वो आप लोगों को व्लॉग के एंड तक देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो आज सुबह से इतनी भागम दौड़ी हो गई गाइज कि हम लोग भूल ही गए कि निदा का कपड़ा दिए थे टेलर को, और हम लोग को जाना है आज टाउन कपड़ा लेना है, हम लोग भूल गए। रात में इतना लेट उतरे हम लोग। अभी जैसे ही पहुंचे यहाँ पर और देखे के सामने टेलर बंद कर रहा है, तो निदा भागते 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 गई, गाड़ी रुकने भी नहीं थी, उतर गई निदा भाग गई और अभी सीधा उतर के भाग के गई टेलर के पास। अब देखते हैं वहाँ कपड़ा उसको मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या हुआ उधर, मिला? सारे नहीं मिले, जो ऑल्टरेशन के लिए दी थी सिर्फ वो 5 कुर्ते थे। और भी मुझे कुर्ते देने के थे, बट तुम्हारे वजह से ये घाई घाई के चक्कर में मैं कुर्ता लाना भूल गई। चलो कोई ना, फोन घुमा दी थी और पूरी गाड़ी चेक कर ली हम लोग ने। रुको रुको जरा, पूरी गाड़ी चेक की हम लोग ने, डिक्की में चेक किया, आधे रस्ते में ऐसा रस्ते में गाड़ी रुका दिया मैंने। खुशी से बोल भी रहे जाके देख के आओ टेलर के पास तो नहीं छोड़े, बोलती नहीं नहीं बोले यही होगा। फिर फोन लगाए तो ढूंढी ढूंढी बोले आवाज तो आ रही है, देखो तो इसके बैग के अंदर, ये इसके अंदर था। ऐसे तुम हार्ट अटैक मत दिलाया करो, मेरे में दिल मेरा मुंह में आया था, मुंह बड़ा दिल बाहर आया था। आज भी पागल। तो फोन हमें याद भी इसलिए आया क्योंकि हमें व्लॉगिंग मेरे फोन से ही मोस्टली करते हैं, उसी चक्कर में याद आया, वरना तो बाप रे बाप। नहीं नहीं, मैं घर पे चले जाती और मैं सुफियान को बोलती कि नहीं मैंने गाड़ी में छोड़ी, फिर गाड़ी में उतरता मैं चेक करता, मैं फिर असलम भाई को फोन करता, बाप रे बाप हालत खराब हो जाती भाई, है ना। ऐसी तुम सबको जाके मेरे बारे में बोलते हो ना। क्या तुम्हारे बारे में बोलता हूँ, मतलब यही सारी चीजें। क्या चीजें? बहुत सारी चीजें, मतलब आज जो मैं छोटी छोटी गलतियां करती हूँ उसका इतना बतंगड़ बना के अपने दोस्तों को बताते हो। किसको बताया मैं, किसको बताया? तुमको नहीं पता? नहीं रियली? हाँ सच में, सच में। क्या बोल रहे हो, क्लियरली बोलो ना तुम। नहीं मैं बोल रही हूँ कि तुम, तुम्हारा क्लियरली बोलने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारी बुराई जाके किसी और को करता हूँ। कौन बोला तुमको ऐसा? बोलो, बोला है किसी ने तुम्हारे बारे में? कौन? नाम बोलो ना मेरे को। कौन कौन? क्यों मतलब तुम्हारे को नाम जानना जरूरी तो है? नाम जान... भरोसा नहीं है कि मैंने अगर सुनी होगी तो मतलब वो सामने वाला झूठा हुआ तो तुम अभी किसी की भी बात सुन के रिएक्ट करोगे? भी नहीं ना, वो तुम्हारा कोई खास है जिसने बताया है। कौन कौन? तो मैं कैसे मान लूँ ये चीज की वो गलत है, क्योंकि वो तो तुम्हारा खास है और वो कभी तुम्हारे बारे में कुछ कभी नहीं बोलता है, उसने फर्स्ट टाइम बोला है। अच्छा सुनो, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब हम घर पहुँच के बात करते। क्यों अभी बात नहीं करना? घर पहुँच के बात नहीं, अभी बात करो ना फिर। अरे निदा लेकिन बोलो ना, हुआ का जो मैंने गुस्से में क्यों जा रहे हो, बट क्या हुआ? लेकिन क्या मालूम भाई, खोटा खोटा गुस्सा करके चले गई अंदर। नीचे बोलती है तुम्हारे बारे में किसी ने मेरे को बोला, तुम मेरी बुराई करते हो, तुम्हारा कोई खास ने बोला। कौन खास है अपने अलावा बताओ, वो तो नहीं समझ में आ रहा, अभी देखते क्या बोल रही हो। निदा बाहर आके बैठो ना, दो मिनट खाली बात कर लो, दो मिनट बात कर लो, प्लीज दो मिनट बात कर लो खाली, दो मिनट। तुमको किसने क्या बोला? अरे लेकिन मैंने क्या किया हूँ? तो मेरे को नाम बताओ ना, कब से तुमको वही पूछ रहा हूँ, मेरे को नाम बताओ किसने किया है। नाम ये तुम ये ऐसा हवा में मत बोलो, किसी ने मेरे को बोला है, किसी ने मेरे को बोला, नाम बोलो, नाम बोलोगे तो मैं सामने वो बंदे को बिठा के। कौन दोस्त ने बोला है? कौन? जीशान ने बोला है, बुलाऊं उसको फोन करके अभी? हाँ ठीक है रुको, अभी बुलाता हूँ मैं। हेलो। हाँ भाई बोलो ना। भाई तुमने निदा को क्या बोले मेरे बारे में? क्या बोला मतलब? तुमने क्या निदा को क्या बोले मेरे बारे में? अरे क्या बोला भाई? भाई तुम्हारे वजह से कितने झगड़े हो तुमको मालूम है क्या? अरे लेकिन मैं बोला क्या? बुलाओ बुलाओ। हाँ क्या हुआ? तुम इधर आओ अभी की अभी, तुम इधर आओ, घर पे आओ, इधर घर पे आओ, बात करनी जल्दी, घर पे आओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई, जल्दी आओ। हाँ जल्दी आओ, ठीक है अभी आ रहे ना, सामने दूध का जो पानी का पानी हो जाएगा। आ जाओ अभी, जो भी है अभी सामने सामने क्लियर करो, जबरदस्ती बात करना मैटर चाहिए नहीं फालतू में। हर बार का हो गया है, हर बार झगड़ा दूसरों की वजह से, अपने दोनों का झगड़ा हो रहा है, दूसरे तो बस घूम रहे फिर रहे अपना। बोलो क्या था, बोलो अभी क्या?
तुमने मेरे को वो दिन क्या बोले थे कि सुखैया ने तुमको क्या बताया? क्या बताया? पहली बार तुमको बीच में पढ़ने की जरूरत ही क्या है भाई? अरे लेकिन बताया क्या भाई? तुम बीच में पढ़ी क्यों रहे हो? बात पे झगड़ा हो रहा है। वही तो नहीं, वो बोल रही है किसी ने, मेरे दोस्त ने किसी ने बोला मेरे को तुम्हारे बारे में, तुम मेरे बारे में। तुम ही बताओ कि तुमने मेरे को क्या बोले थे? इसको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूं। लेकिन मैं बोला क्या? पलट गया, देख लो तुम्हारे सामने। जीशान भाई ये दिस इज नॉट डन। अरे लेकिन तुम्हारे को बीच में पढ़ने की जरूरत ही क्या है भाई? मैं कुछ बोला ही नहीं। अब लोग दोनों साथ में तो रहते हैं, वो कुछ बोलेगा कि जब उसको पता ना हो पता चले जाएगा तो वो भी बोलता है। लेकिन भाई तुम अभी अपने दोस्तों पे मत डालो, तुम्हारी आदत बहुत बेकार है कि तुम सबको जाके मेरे बारे में बोलो। लेकिन तुमने जीशान भाई को भी मेरे बारे में बोला, तभी जीशान भाई ने मेरे को बोले ना। अरे लेकिन मैं क्या बोलूंगा जो बोला? मेरे से तो पूछो पहले मैंने क्या बोला। मैं कुछ बोला ही नहीं, वो कुछ भी अपने मन से बोला तो मान लोगे क्या? हां लेकिन मैं अपने मन से क्यों बोलूंगा? लेकिन देखो जीशान भाई, हमेशा हमेशा की ये सब चीजें नहीं चलेगी। अरे लेकिन मैं कुछ बोला ही नहीं ना भाई, तुम क्यों ऐसे पलट रहे हो? अरे लेकिन मैं कब बोला कुछ? देख लो और करो जीशान भाई। अरे भाई तुम ये देखो चैट, देखो हम लोग कभी आज हम लोग बात किए गए? देखो देखो क्या बात हुई है। लेकिन चैट की बात ही नहीं, वो बोली मेरे को बोला तो हो सकता तुम लोग जब मिस बाय लोग साथ में तुम लोग बैठे हो तब बोले रहोगे तुमने। तुमने नहीं बोले कि सुफियान तुम्हारे सामने मेरी बुराई करता है? अरे लेकिन वाह 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 वाह, तुम्हारे सामने कौन सी बुराई किया भाई? भाई मैं बोला ही नहीं, अपने दोस्ती के नाम पे तुम ये सब कर रहे हो मेरे सामने। लेकिन मैं क्या बोला? ये कब की बात कर रहे हो तुम लोग? मालूम नहीं कब की बात है, तुम मेरे हम दो तीन लोग आकर गए थे मेरे घर, तब की बात है शायद। ये हफ्ते पहले ही मेरे को जीशान भाई बोल रहे थे कि सुफियान बहुत बुराई करता है मेरे बारे में, बहुत सारी चीजें तुमने मेरे को बताए थे। अब मैं ये सब चीजें इनको बताऊंगी नहीं, तुम ही मेरे लिए बताओ कि तुमने क्या क्या बताया। अरे लेकिन मैं बोला ही था, मैं तुम के बारे में तुमने क्या बोले बताऊं मैं? अरे क्या बोला? लेकिन उसको भी नहीं बोला तुमको? बताओ तुम अगर दोस्त हो तो तुम इसकी बात उधर उधर की बात इधर, अगर इनके तुमको तुमको कुछ भी बोले मेरे बारे में नहीं बोलना चाहिए। अरे लेकिन कुछ बोला ही नहीं, आदत ही नहीं है ना ये सब करने की, बात करके मालूम ही नहीं है। साथ में तो मेरे को पता नहीं, आदत ही नहीं है ना आदत करने की। तुम उसके साथ रहते हो तुमको ऐसा लगता है कि ये वैसा नहीं है, बट इसने मुझे बहुत सारी चीजें बताया। अरे तुमको अलग बोल रहा है, मेरे को अलग बोल रहा है, तुम्हारे बारे में मेरे को बोल रहा है, मेरे बारे में तुमको बोल रहा है, झगड़ा वाली बात हो गई ना ये तो। भाई लेकिन मैंने क्या बोला भाई? दिस इज वेरी रॉन्ग भाई। अभी रहें तो दोस्ती खराब हो जाएगी, बोलूंगा मैं तो फिर अभी छोड़। लेकिन बोला क्या दोस्ती खराब? तुमने क्या बोल रहे हो सुफियान को मेरे बारे में? अरे जब मैं कुछ बोला ही नहीं तो क्या बताऊं? अच्छा जो तुमने मुझे बोले थे सुफियान के बारे में वो सारी चीजें बता दो उनको। सी बी वेरी क्लियर, दोस्ती में तो फिर ना यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें बीच में आएंगी तो दोस्ती टूट सकती है। ये सब करना तो दोस्ती रख के मतलब? लेकिन मैं बोला ही नहीं ये सब, अगर दोस्ती तुमको लगता है मैं कुछ बोलूंगा? बोले हो तुमने मेरे को रीना के बारे में बोले तो उसको भी तुमने मेरे बारे में बोल दिया। सबसे पहला शक मेरा तुम्हारे ऊपर ही गया, सबसे पहला सही, सबसे पहला तुमको ही फोन लगाया मैं और किसी को फोन नहीं लगाया। ये सब हरकत है ना भाई, तो फिर मतलब मैं इनको नहीं बता रही थी तुम्हारा नाम भाई, बट मैंने बस इतना बोली कि तुम्हारे दोस्त और मैं सबसे पहले तुम्हारा नाम है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि maybe he might be knowing कि कुछ ना कुछ हो रहा है। और तुमने बात मान ली, इतना ही अपने बीच में वो है कि तुम किससे की बात मान ली? झगड़ा तुमने कैसा बात मान ली उसकी? बट मैं तुम्हारे से सिर्फ पूछ रही थी नॉर्मली कि तुम्हारा पूछने का तरीका ना देगा। मुझे एक बात मालूम पड़ी है सुफियान, तुम्हारे किसी खास दोस्त ने मुझे बताया है, तो ये टोन क्या तुम्हारा? तुम किसी तीसरे की बात सुन के तुम मेरे को आगे चढ़ रहे हो मेरे ऊपर, अब मैं तुम्हारे पास चढ़ू किसी तीसरे की बात सुन के? मुझे भी दस लोग बहुत बोलते हैं। क्या जीशान भाई, उन पर पलट रहा साफ साफ, तुम्हारे दिख नहीं रहा तुमको? और करो दोस्ती दोस्ती दोस्ती। तुम्हारा दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है। अरे जो भी है तुम मेरा भाई है तो मेरा दोस्त है, तो तुम्हारे दोस्ती की बात नहीं है, वो दोस्त मेरा है तो तुमने उसकी बात कैसे सुने? अरे भाई झगड़ा कर रहे क्यों तुम लोग? लेकिन तुम बीच में पड़े क्यों भाई? तुमको यहाँ जीवा करने की जरूरत ही नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो ना। बस मैं क्यों झगड़ा? लेकिन मैं कुछ बोला ही नहीं। तुम्हारी वजह से झगड़ा हुआ था, आपस में झगड़ा तो हो ही गया, उनको क्या हिसाब से बोली? जीशान भाई को बोले तुमने ऐसी बहुत सारी चीजें किए रहोगे, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोले कि तुम मेरी बुराई करते हो, जीशान भाई अकेले ने नहीं बोले। अरे लेकिन मैं बोला ही नहीं तो ये मेरी बात, मेरा नाम आ रहा है जीशान भाई, पलटो माता दिमाग खराब करती है, पीछे पड़ जाती है, तुम्हारा ही टेंशन है। मैं भी बोला था जाने मेरा दोस्त करके बोल रहा है, तो फिर भी मैं सुख रहा हूँ। दस बार बोलो तुमने यार, दस बार बोला, दस बार। और मेरे सामने इसके बारे में क्यों बता रहे थे सुफियान के बारे में? अरे क्या बता? लेकिन मेरे को बात बताओ, एक दूसरे को अलग अलग बोलते तुम क्या बड़े बन जाओगे भाई? मेरे को बात बताओ। अरे लेकिन भाई मैं बोला ही नहीं। तुम अभी उसके ऊपर पूरी चीज मत डालो, तुम मेरे को बताओ। अरे मैंने क्या किया? वो कर रहे हो? देखो सुफियान भी बहुत ज्यादा टोन हाई हो रहा है तुम्हारा। तुम इतना बात ही ऐसी हो रही है, जब मैं कोई गलत बात बोली नहीं रहा हूँ, मुझे पता है। आराम से ही बात कर रहा हूँ मैं, आराम से ही बात कर रहा हूँ। सामने वालों को बोलो तुम तो बोलो ही मत पा रहे हो अभी यार। आराम से ही बात कर, आराम से ही बात कर रहा हूँ।
आराम से ही बात कर रहा हूँ। जब मेरे पे कोई ब्लेम आएगा तो मैं कैसे बात करूँ नॉर्मली? जब मुझे पता है कि मैं गलत नहीं किया हूँ तो फिर मैं कैसे कामली बात करूँ? जब तो नहीं बोलते लोगों को जाके मेरे बारे में, नहीं लोग तुमको आगे बोल रहे हो, तो मैं क्या करूँ उसमें? जब तुमको दूसरों पे भरोसा करना है तो लो पार्टी इसने दिया कि वो लोग मुझे आगे बता रहे ये सारी चीजें। एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें बोले मेरे को दिशा मैंने तुम्हारे बारे में। भाई मैं कुछ बोला ही नहीं, बार बार मेरा नाम जबरदस्त ही आ रहा है बीच में। भाई समझ के तुम्हारे को हर चीज में भाई शहर में तुम्हारे, लेकिन मैं बताया नहीं ना कुछ। और तुम मेरी बजा दी भाई, क्या फायदा हुआ? हम लोग का झगड़ा हो गया। अरे मैं कुछ बोला ही नहीं, तुम तो घर चले जाओगे अपना, तुम तो सुकून से रहोगे, तकलीफ में तो हम लोग रहेंगे ना अभी। लेकिन मैं कुछ बोला ही नहीं। अरे तुम तो एक बार बोल रहे, कुछ बोला नहीं तो तभी तो बोल रहा है, वो नहीं बोला उसने, बार बार बोल के क्या मतलब है? हो गया ना तुम्हारा, हो गया ना करके खुश हो गए तुम? मैं क्या खुश हो गया ना तुम? लेकिन मैं कुछ बोला ही नहीं तो। लो और करो भरोसा, और करो। तुम्हारे बारे में मेरे बैग में क्या चली? लो वो क्यों बोल रहे हो यार? अरे तुम नहीं बात सुन के मैं झगड़ा कर रहा ना, तुम ज्यादा मत करो समझे। बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो तुम, दूसरों की बात सुन के मेरे पास झगड़ा कर रहे हो। तुम अपना काम क्या बोलो तुम? फालतू मेरे को बोला ना मैंने बोलो तभी बात किया करो, समझ में आया तुम्हारे? नहीं रहना मेरे को। लो और करो, तुमको क्या जरूरत है लेकिन कुछ बोलने की? मैं कुछ बोला ही नहीं, राय की बात को तुम पहाड़ बना के बताओगे तो वही होगा। तुमको क्या बोला मेरे नाम उसको बोला ही? मैं कुछ बोला ही नहीं भाई। ए यार ये सब के चक्कर में पिसा तो मैं हूं ना, कौन सी बात निकाल रहे भाई? अरे क्या जाते जो खराब किए मामला वो तो सही करो। लेकिन कुछ बोला ही नहीं ना भाई। अरे यही रट लगा रहे, बोला नहीं बोला। अरे निदा तुम क्या कर रहे हो फालतू यार? अरे निदा तुम ये क्या कर रहे हो लेकिन? ओ ईशान भाई इधर आओ यार, ओ अपरेश भाई इधर आओ, इधर आओ। फालतू में जबरदस्ती यार, आओ आओ। क्या करना है बताओ अभी, क्या करोगे? मैंने बोल दी मेरे को नहीं रहना है, मतलब नहीं रहना है। तुम दूसरों के वजह से मेरे को चिल्ला रहे हो, तुमको जरा भी अक्कल है सुफियान? हम लोग के बीच में कुछ भी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है क्या? कोई तीसरा पर्सन अगर आ भी रहा है तो हम लोग दोनों बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। तो तुमने ये चीज की है? नहीं रहना है मुझे अब। तुमने ये चीज़ मुझे नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। तुमने ये चीज़ मुझे नहीं रहना, मुझे मैं जा रही हूँ। क्या तुमने? अरे भाई लेकिन मैं तुम्हारे वजह से हुआ ना ऐसा, खराब हो गया ना अभी, अच्छा खासा था तुम्हारी एक बात बोलने की वजह से कितना खराब हो गया। भाई नहीं किया मैं कुछ, बोला ही नहीं मैंने। निशान भाई अभी कितना भी तुम बोल दो कि मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, तुम झूठ मत बोलो यहाँ पे, मत पलटो, मेरे ऊपर आ रहा है सब कुछ। अरे क्यों? अरे मैं बोला ही नहीं, रहन दो प्लीज, इतनी सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही है ना, तो पहले तुम्हारे को क्लियर करना चाहिए कि हाँ मैंने बोला। ये क्या हो गया, पलट गए तुम एकदम से, मेरे ऊपर आ रहा है, मैं गलत दिख रही हूँ यहाँ पे। क्या मिला तुमको करके? भाई मैं कुछ बोला नहीं है। तुमको क्या मिला, क्या फायदा बताओ? कपड़े पैक कर दिए। क्या रोको? कुछ हुआ सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं सुनना है। मेरी बात देखो, किसी तीसरे की वजह से अपना क्यों खराब करना अपने को? तो ये चीज पहले ही बैठ के बात कर लेते अच्छे। तुमने काय को मेरे को बोले? जब किसी तुम्हारे खास से पता चला तुमने मेरे बारे में बोले हो, तो तुम्हारे खास ही है ना, तुम मेरे से ज्यादा उन लोग से ज्यादा वो करते हो। क्या उन लोग से ज्यादा वो करते हो? तुम करता हो तो तुम मेरे पे भरोसा करो, दूसरे पे क्यों भरोसा रख रहे हो? क्या मिल रहा तुमको करके? कुछ नहीं मिल रहा है, दिख रहा है मुझे क्या मिल रहा है? मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारे पे और तुम्हारे दोस्तों पे भरोसा की। तो रोने धोने से क्या होने का है निदा? क्यों कर रहे हो? चिल्लाओ मत, छोटी सी बात पे क्यों कर रहे हो? बैठ के सॉल्व कर लेंगे। अरे हाथ मत लगाओ तुम यार। क्या मतलब हुआ निदा तीसरी वजह करके ये सब? तीसरा तुम्हारा दोस्त है वो। अरे क्या दोस्त है निदा यार, क्या दोस्त? अरे हाथ मत लगाओ तुम यार, हाथ मत लगाओ मेरे को। देख रहे यहाँ पर जबरदस्ती फालतू में चालू है तुम्हारी वजह से, ऊपर से तुम मेरे को रुक जाओ रुक जाओ। रो के कुछ मतलब नहीं है, तुमको जाना है ना? हाँ जाना है, चलो निकल निकलो यहाँ से। अरे भाई तुम चिल्ला रहे क्यों? अरे भाई रहने दो अभी तुम यार, चल बे चल। अरे 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 रुक जा रुक जा मेरा भाई, प्रैंक है प्रैंक है प्रैंक है, जो कैमरा सामने लगाओ भाई मेरे को ना जान जल्दी है, तुम लोग दूसरे 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 तो दूसरे लोग बोले जा रहे हो। मजा आ गई मजा आ गई मजा आ गई। हर चीज को यूटिलाइज करना आ गया तुम लोग, पब्लिक यूटिलाइज करो तुम लोग, पब्लिक डिमांड की के फोकस पे प्रैंक करो। तो गाइस आज फोकस पे फाइनली प्रैंक हो चुका है हमारा, इंसान पे हुआ है बेचारा। देखो टेंशन में एकदम लाल लाल होगा दोनों एकदम। मैं वही सोचता हूं भाई, मैं बोला क्या लिख रहे थे? मजा आई ना एकदम एकदम टेंशन में आ गए ना। और वही दिन चुने तुम जो दो दिन में था नहीं का लुना वाला भाई। मैं भाई मैं सोच में पड़ गया, मैं बोला क्या बोल दिया मैं ऐसा, वो भी इसको अभी भी सोच रहा है, बोले कुछ बोला तो नहीं, मन की भड़ास निकाले बोले।
मेरे को बोलते तो मैं मुंह पे सुना देती तुमको, तुम टेंशन मत। आज नहीं, नीता की तबीयत बहुत खराब थी, नीता बोली कि सुपर तुमको झगड़ा नहीं करी, छोटी किसी झगड़ा कर दे पूरा, चलो दिशा ने झगड़ा करता है, मजा आएगी बोला, देखते क्या बोलता है। मैं बोला तुम मूड के लड़ने, चलो 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 बकरे बन रहे हो तो तंदूरी, हां तंदूरी नाइट, तंदूरी नाइट, तंदूरी नाइट, तंदूरी नाइट, तंदूरी नाइट, बकरा 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 बकरा। हम लोग पहुंच गए हैं टाउन, बस अभी है व्लॉग एंडिंग का टाइम, तो जरूर कमेंट में बताना कि आपको ये कैसा लगा हमारा प्रैंक जो हम लोगों ने फुकट्स पे किए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बहुत अच्छा बोले। सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल।